हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लोगों की आवाजाही सच में निल है, या ये कह दीजिए बिल्कुल ना के बराबर है। जितने भी हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में मौजूद है, अलग अलग शहरों में और राज्यों में मौजूद है, वो यही बता रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन हुआ नहीं है लेकिन लॉकडाउन जैसी तस्वीर दिख रही है। और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है आपकी और इस देश की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लखनऊ में जनता कर्फ्यू का असर सुबह से दिखने लगा है। यहाँ के पार्क में आमतौर पर सुबह के वक्त लोगों की भीड़ रहती है और हर पार्क में रहती है, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह की लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क की ये रिपोर्ट जो है वो आपको देखनी चाहिए। आज देश भर में कोरोना से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान है और इस आह्वान का असर सुबह सुबह दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूं लखनऊ में और ये राम मनोहर लोहिया पार्क है। ये वो जगह है जहां सुबह सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, तमाम अलग अलग जगहों से लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन आज जो पार्क का नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। दो गार्ड्स हैं, इसके अलावा पूरे पार्क में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर गाड़ियों का रेला लगा होता है और अंदर भीड़ होती है जो मॉर्निंग वॉक करती है और व्यायाम करती है। लेकिन आज न गाड़ियों का रेला है और न ही लोगों की भीड़ है। एक नोटिस यहाँ पर ज़रूर चिपकाया गया है लोगों को ये बताने के लिए कि नोवल कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या उपाय हैं, लेकिन पार्क इस वक्त पूरी तरीके से सूना है। ख़ास तौर पर रविवार के दिन इस पार्क में ज़्यादा ही भीड़ होती है, लेकिन आज बिल्कुल अलग नज़ारा है जब ये पूरी तरह से पार्क खाली है और प्रधानमंत्री के आह्वान का असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है, जो कि लोग अपने मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं निकले हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। आज सारा दिन आप घर पर रहने वाले हैं, आप और हम आज प्रण ले लेते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिले कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जिसे आप जानना चाहते हैं। आपको हर एक चीज से हम रूबरू करवाएंगे, पर एक वादा आपसे हम चाहते हैं और वो वादा ये है कि आप आज घर पर रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे क्योंकि इसी तरीके से स्टेज 3 में जाने से हम एक दूसरे को रोक पाएंगे। करीब 30 मिनट हो चुके हैं और जनता कर्फ्यू शुरू हो चुका है। अब तक जो खबर आ रही है वो दिल को सुकून पहुंचाने वाली है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान पर जब जब ऐसी कोई मुसीबत की घड़ी आई है हिंदुस्तान के तमाम देशवासी चट्टान की तरह एक साथ खड़े हुए हैं और ऐसा काम किया है कि देश को एक एक बाशिंदे पर फख्र हुआ है और ऐसा ही दिख रहा है। इस समय की ये बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव पाई गई गायिका कनिका कपूर को लेकर एक और विवाद हो गया है। अब उन पर इलाज में सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है। वो जिसे कहते हैं ना एक्ट्रेस टैंट्रम्स, वो दिखा रही हैं। आप देखिए रिपोर्ट। पर्दे के नखरे अब अस्पताल के बिस्तर पर भी दिखा रही हैं कनिका कपूर। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रही कनिका पर ये आरोप अस्पताल प्रशासन ने ही लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर जो कहा है वो आप भी देखिए। आरोपों के मुताबिक कनिका मरीज नहीं बल्कि स्टार जैसा बर्ताव कर रही है। वो इलाज में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। अस्पताल में उन्हें बेहतरीन सुविधाएं दी गई, अटैच टॉयलेट वाला कमरा दिया गया है। कमरे में एसी, टीवी, एयर हैंडलिंग यूनिट की सुविधा है। इतना सब होने के बाद भी अस्पताल के डॉक्टर कनिका के नखरे से परेशान हैं। कनिका की शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कर दी गई है। कनिका कपूर ने लंदन से लौटकर लखनऊ और कानपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इस दौरान कनिका कोरोना पॉजिटिव थी। स्टार टैंट्रम्स यहाँ पर कनिका कपूर दिखा रही हैं। उसके बाद अस्पताल ने बताया कि कैसे उनको हर वो सुविधा दी जा रही है जो एक पेशेंट को दी जानी चाहिए। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, इस खबर को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। पंकज, अब ये क्या तरीका हुआ? एक तरफ तो आपके ऊपर केस दर्ज करने के लिए लखनऊ डीएम ने आदेश दे दिए हैं, जब आप जेल जाएंगे तब आपको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। आपने सच में ऐसा काम किया है जिसने बहुतों को नुकसान पहुंचा दिया है। कनिका कपूर सेलिब्रिटी है, लेकिन जो बर्ताव उनका रहा, वो किस तरीके से उन्होंने एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर सेल्फ क्वारंटाइन करने वाली बात नहीं मानी, फिर आकर वो घूमती फिरती रही, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबके सामने है। और उनका यकीन मानिए, जिस अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है उस SGPGI लखनऊ में मैं खुद रहा हूँ, देश के चुनिंदा अस्पतालों में से एक है, बहुत बेहतर सुविधाएँ वहाँ मिलती है, ये मैं जानता हूँ। अब ये जो टेंट्रम, कल ही उन जो डायरेक्टर हैं उनके, RK धीमान, उन्होंने कहा वो जिस तरीके से बर्ताव कर रही हैं, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत कर रही हैं, वो चिंता की बात है।
उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। एक तो चोरी और सीना जोरी कहते हैं ना रूप का, ये व्यवहार है कनिका का। हम चाहते हैं कि कनिका से गलती हुई है, उस बात को उनको कबूल करना चाहिए और अब जिसे कहते हैं ना पश्चाताप, ये उसका वक्त है। तरीके से उनको अस्पताल में वो तमाम जो स्टाफ उनकी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं वो अपने घर बार को छोड़कर कोरोना वायरस जो कि संक्रमित करता है उस केस में आपसे निपट रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको सेहत प्रदान कर रहे हैं और ऐसे में इस तरीके के टैंट्रम्स सच में ये ना बर्दाश्त के काबिल है। पंकज बने रहिएगा, मैं दर्शकों को एक बार बस ये बता देना चाहती हूँ कि 315 केसेस इस वक्त हिंदुस्तान में संक्रमण के हैं। कल का जो दिन था वो बहुत भारी था हिंदुस्तान पर, 71 केसेस, सबसे ज्यादा केसेस 71 केसेस जो है वो दर्ज किए गए। अब तक 22 लोगों को ठीक किया जा चुका है, 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि अभी हम स्टेज 2 में हैं, स्टेज 3 में जाने से खुद को रोकना है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।